आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखिए, हमारे मोबाइल फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, लगभग फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना है क्या, देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं ना, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। और दूसरा काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग देखने को मिल जाएगी, तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए, राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, इसे टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को पहले से बंद कर रखा है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके आपको बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप्स में से भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन की जो गैलरी है ना, मोबाइल फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट करनी है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, बचा हुआ डेटा, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।